शहर से अलग हो गए, फिर घर से, अपने दोस्तों से। क्या कह रही हो? फिर शादी हो गई, मॉम एंड डैड से बिछड़ गए, घर से बिछड़ गए, हवेली से बिछड़ गए, खेत से अलग। राम प्यारी से भी तो अलग हो गए हैं, है ना? कितना मिस कर रहे हैं हम राम प्यारी को। अरे मेरी अंगूठी गिर गई। अरे संभालिए अपने आप को आनिया जी। अब देखिए कहा है कि ये मिलना बिछड़ना तो बस इस जीवन में लगा रहता, सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। अब हमें देख लीजिए, जब से अपनी रघु प्यारी से बिछड़े हैं तब से कैसे बिलग गए, बहुत कठिन हो गया है सब कुछ। हम समझ सकते हैं और हमें पता है कि आपकी रघु प्यारी भी आपको बहुत मिस करेगी। चलते हैं आनिया भौजाई। हाय आनिया। भोला जी, आई मीन जीजा जी कहना चाहिए ना मुझे। So, कहाँ है जीजा जी? वॉक पे गए हैं। अकेले? Really? That's terrible. तुम्हारे हनीमून पे जीजा जी तुम्हें अकेले छोड़ के घूमने चले गए? अभी अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, ये ठीक नहीं है आन्या। It's very sad. तुम भी तो इतनी रात में अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ आ गई हो मेरे पास। तुम्हारी शादी भी तो अभी अभी हुई है। वो अलग बात है, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ अपनी प्यारी कजिन आन्या के पास। अब पता नहीं फिर कब मिलेंगे, वो हम लोग गाँव एंड ऑल ज़्यादा जाते नहीं ना। पर मैंने सुना है कि नील भी किसी छोटे टाउन से है, इसका मतलब तुम वहाँ कभी नहीं गई हो। शायद उसे शहर देखने का ज़्यादा शौक होगा, है ना? हाँ नहीं 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 आई मीन नहीं ना। और सारे लड़के रघु और भोला जैसे नहीं हो सकते जिन्हें इतनी मिट्टी से प्यार हो, बहुत स्पेशल है वो। हाँ आन्या, तुम्हारी वेडिंग की फोटोग्राफ्स नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिखाओगी? वो शादी भी अभी हुई है तो फोटोग्राफ्स इतने जल्दी कैसे मिल जाएंगे, और जब आएंगी तब तुम्हें तो देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी निकी द मक्खी। बस आज के लिए एक दूसरे को जानना काफी हो गया। नील भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना? हाँ? Oh, yes. और रघु, I'm sorry, sorry. I mean, भोला तुम्हारे पास आना चाह रहा होगा ना? वैसे तुम अपने जीजा जी की काफी करीब हो ना? क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बस तुम दोनों कॉरिडोर में बात करते हुए देखा तो ऐसा लगा कि तुम दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। रघु भोला के बिग ब्रदर जैसा है, इतने करीब है कि एक ही फैमिली जैसे हम सब। पर ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ, आई मीन रघु तुम्हारा जीजा भी है और तुम्हारा बस दैट वर्ड, हाँ जेठ भी, और तुम दोनों क्लोज भी हो, वो तुम्हें पसंद भी करता है, तो फिर आन्या भोला से कैसे प्यार हो गया, रघु से क्यों नहीं? कम ऑन निकी, प्यार तो बस
प्यार तो बस हो जाता है, ये डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं कि किससे। जैसे तुम्हारा नील से हो गया। आई नो, लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि तुम हमेशा रघु का नाम पहले लेती हो। आई मीन, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं तो सोचती कि तुम और रघु। हाउ सिली ऑफ मी। काय की घंटी थी, डिनर की घंटी भोला, खाने की, खाने की घंटी। देखिए हम जो है पाठशाला की घंटी सुने हैं, मंदिर की घंटी सुने हैं, यहाँ तक कि छुपचुप गाड़ी के स्टेशन की घंटी भी सुने हैं, परंतु ये भोजन की घंटी ये हम समझे नहीं। ये सब विदेश में रहने का नतीजा है भोला, वहाँ के लोग वक्त के थोड़े ज्यादा ही कुछ पाबंद होते हैं। इट्स नाइस, घर में कायदे कानून होना अच्छी बात तो है। ये जो विदेश है ये अत्यंत विचित्र चीज होगी। अरे जहाँ के घर जो है जेल के समान होते हैं, वहाँ के जेल अवश्य जो है शमशान भूमि की तरह होंगे। You are absolutely right, भोला। वहाँ लोग जिंदगी का मजा लेना जानते ही नहीं है, बस हर काम घड़ी के मुताबिक होना चाहिए। Oh, come on, mom. टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। It's so cool. हम तो सोचे थे ईसा जी जो भारतीय शहरी होते हैं वो पगलेट होते हैं, परंतु ये जो विदेशी शहरी हैं वो तो अत्यंत ही पगलेट हैं। मजाक की बात नहीं है, अमीरों के घर में इसी तरह से खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, और तुम्हें भी ऐसे ही बुलाया जाएगा। Do you understand? ईसा जी, अरे आपके लिए तो हम जो है यमराज का जो भैंसा होता है ऊ के घंटे की आवाज भी सुन सकते हैं, ये तो भजन की घंटी है। अब कुछ भी करेंगे हम आपके लिए। Good. जी देखो भोला, वो बड़े हैं और बड़ों की खुशी के लिए कुछ बातें तो करनी पड़ती है ना। सब कुछ बड़ों के लिए तो हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठा बर्ताव करा जा रहा है। अगर बड़ों के लिए नहीं होता तो हम ये सब कभी नहीं करते। भोजन के लिए घंटा बजा था। चलिए, पेट में चूहे जो है गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। चलिए रखो रखो रखो। ओह, गांव की लड़कियां ऐसे भी पति के पीछे पीछे चलती हैं क्या हनी? ओह डार्लिंग, तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। एक्चुअली यू नो गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। ओह सिंपल, सीधे एंड यू नो बेचारे टाइप्स। लेकिन हैंडसम और रोमांटिक नहीं होते ना तुम्हारे तरह पपेट। ओह वो तो तुम हो मोपेट, रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल। नो नील, वो तुम हो। तुम हो यू नील। अगर हमारे दामाद और बेटियां ऐसे ही रहे झल्लों की तरह तो गए पैसे अपने हाथ से ले जाएंगे सारे पैसे ये लवबर्ड्स। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम टेलिंग यू गए पैसे। चल हाथ हटाओ। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। रखो अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो पैसे हार जाएंगे। हारते हैं तो हार जाएं, पर तुमने साथ यूं हाथ में हाथ डाल के हम नहीं जा सकते, हमारी मर्यादा के खिलाफ है ये। You know what? तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। हाँ है तो है, पर तुम्हारी तरह मंद बुद्धि तो नहीं है। Oh, shut up. अब चलो सब आ गए होंगे। हमने कहा ना ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं। चलना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? चलना पड़ेगा। तुम्हें अपनी पत्नी की कसम है। Oh my God! हनीमून पे लड़ाई? So ला 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 ऐसे ही चलना पड़ेगा। चलो चलो श्रीमान जी आ गए हैं। गुड इवनिंग अंकल विक्टर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग माय डियर।
हमारे गांव में ई को जो है चरण स्पर्श कहते हैं। आशीर्वाद ले रहे हैं आपका जी। सो स्वीट हनीबन, यू नो लंदन में मैं ये सब सिर्फ मंदिर में देखा करती थी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। व्हाट डू यू मीन ठीक है ठीक है? सो ब्यूटीफुल, इसे ही तो कहते हैं हमारे वैल्यूज, हमारे व्हाट यू कॉल इट, या संस्कृति। भोला एंड रघु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। May I, Lady Victoria? Oh, please, Neil. Thank you. उतर जाओ। Like me, gorgeous. Oh, thank you, precious. जल्दी से ये विदेशी यहाँ से जाए और ये चक्कर खत्म। कहाँ फंस गए हम? वहाँ तुम्हारे पिताजी परेशान हैं और ततिया का मुंह फूल रखा है और यहाँ हमारा दिमाग खराब हो रखा है। रुको भैया, शुरू कीजिए। हाँ, प्यास लग रही है। मैं पानी लाती हूँ। मैं पानी लाऊंगी। हमारा भी जो है कंठ सूख रहा है, हमें जल की आवश्यकता है। लाओ लाओ रघु। जी अभी लाते हैं। How sweet, isn't it, honey? कि मेरा पति का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें जीतना है और तुम जो कर रही हो ना उससे नील होने के सारे पैसे लेके चले जाएंगे और जिंदगी भर बस यूं ही डी एंड के डी में सरना पड़ेगा हमें। अरे हमारे बच्चों को भी यही सरना पड़ेगा और फिर मेरे बच्चे अपनी आनिया मासी को जिंदगी भर गाली देंगे। ईशा, अगर तुम झूठ नहीं बोलती ना तो मैं रघु कब का जीत गए होते और फिर हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों की खूब पिटाई करते। लोना, अरे क्या कर रही हो? रघु को भिंडी पसंद नहीं है। अरे इतना तो याद रहना चाहिए ना अपने पति के बारे में। प्लीज आन्या, मुझे मत सिखाओ। तुमने भोला को आलू गोभी की सब्जी क्यों दी? उसे तो आलू गोभी पसंद नहीं है ना? अपने हस्बैंड की फिक्र करना सीख लो आन्या। तुम अपने हस्बैंड की फिक्र करना सीखो। तुम स्टॉप स्टॉप तुम दोनों। आपकी बहन को पता है कि मुझे क्या खाना पसंद है और क्या खाना पसंद नहीं है? I don't know, मेरी पता है? Yes. नहीं पता है। पिछली बार हमें जब खाने पे बुलाया था तो मटन बिरयानी बनाई थी और मुझे मटन छोड़े हुए 40 साल हो चुके थे। Bad. Very bad. मजेदार, लज्जतदार, वाह क्या स्वाद है। तंदूर की कसम, इसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, जहां सबको एक दूसरे की फिक्र है। हा? ऐसा नहीं कि मेरा पति कबाब बाकी सब हड्डी। अपनी सिस्टर को मेरी मनपसंद डिशेस की लिस्ट भेज दीजिएगा। That's so naughty, हनीबन। No. प्यार से बनाती तो मटन नहीं बनाती। प्यार तो ये है, मटर के एक से दाने लगते हैं चारों।
piece of the same pod, you know. नील जी निकी ओ माय गॉड सो स्वीट रघु जाले आज तो मेरे हाथ खाओगे हाँ क्या कर रही हो पहले तो सामने जाकर तमीज रखो प्लीज खाओ ना हमने कहा ना खुद खा लेंगे भोला खाओ नहीं देखिए आने जी हम स्वयं खाने में सक्षम हैं हम स्वयं खा लेंगे भोला प्लीज एटलीस्ट मेरे साथ तो ये सब ट्राई मत करो सबसे अच्छी भतीजी हो मेरी तुम अगर तुमने इस कड़वे करेले से शादी नहीं की होती तो सारा पैसा मैं तुम्हें दे देता क्या नील नील बेबी व्हाट हैपेंड कुछ लिया रुको चल ऐसे निकलेगा हम प्यारी भी बच्चों की गेंद निकल गई थी ऐसे मार मार के निकाला था इतना सारा ठूसोगे तो यही होगा चलिए आनिया जी अब सो जाते हैं उका है कि पांव फटने से पहले उठना है और फिर तैयार भी होना है मुझे नहीं होना है तैयार बोला मुझे करना ही नहीं है परंतु आनिया जी रघु भैया ये फैसला किए थे चुप करो बोला मुझे मत सिखा मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखा तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे याद आता है कि रघु मेरे पास ही नहीं है ये क्या कंबल ओढ़ा सो गए इतनी भी फिक्र नहीं है कि मैं नहीं सो पा रही हूं आने जी हम बताइए क्या करें चौकटा दिखाते हैं तो दिक्कत है छुपाते हैं तो दिक्कत है कुछ मत करो बस बस बैठे रहो भोला ओ भोले राजा भोला भोला बहुत हो गया मैं रघु के पास जा रही हूं ओह गॉड मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है अगर भोला होता तो मेरे पैर दबा देता यहां पर भोला है नहीं यहां इसलिए सो जाओ चुपचाप रघु तुम दबा दो ना मेरे पैर का
बावली होगी क्या तुम? बहनोई से पांव दबाओगी? रिश्ते की कुछ समझ है कि नहीं? रिश्ते की समझ तुम्हें नहीं है? अरे अपनी साली की बिल्कुल फिक्र नहीं है, जल्द जाके भोला को बुला के लेके आओ। हम काहे बुलाए? तुम्हें बुलाना तो खुद बुला लो। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। जा रही हूँ मैं। अरे चिल्ला कर रही है, जाओ ना। So shameless. अरे ईशा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? And what are you doing at this hour? वो वॉक करने का मन कर रहा था तो अपने हस्बैंड को बुलाने चली आई। अपने हस्बैंड को अपनी बहन के कमरे में ढूंढने जा रही हूँ। जब लव हुआ।